हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक यूज़र फॉर्म डिज़ाइन करेंगे जिसमें जो फोकस है वो हमारा लिस्ट बॉक्स के ऊपर रहेगा। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम लिस्ट बॉक्स को डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। इस वीडियो में मैं तीन नए फंक्शन लेकर आया हूँ जो मेरे पुराने वीडियोज़ में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, प्रिंट, अपडेट और डिलीट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन एंट्रीज डालूंगा और फिर जो है ईच फंक्शंस के ऊपर काम करूंगा और आपको शो करूंगा कि कैसे ये फंक्शंस काम करते हैं। उसके बाद जो है मैं वो इसका डिज़ाइनिंग पार्ट जो कोडिंग पार्ट कॉन्फ़िगर करूंगा। डिज़ाइनिंग के बाद जो कोडिंग पार्ट होगा वो मैं टाइप नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो मैं टाइप करने लगे तो अननेसेसरी वीडियो का लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि पहले से जो मेरे पास कोडिंग है वो मैंने नोटपैड पे कॉपी कर लिए। जैसे जैसे मेरे कमांड्स बटन कॉन्फ़िगर डिज़ाइन होते रहेंगे मैं उसको कॉन्फ़िगर करता रहूँगा। तो दो तीन एंट्रीज़ करके देख लेते हैं और फंक्शंस जान लेते हैं कि ओवरऑल वीडियो में होने क्या वाला है। नई एंट्री डालने के लिए हमको क्या करना है, हमको फॉर्म जो है वो रीसेट करना पड़ेगा। कन्फर्म इफ़ वी वॉन्ट टू रीसेट द फॉर्म। यस, फॉर्म जो है वो खाली हो गया है। अब हम इसमें एंट्री डालेंगे। इसमें जो लास्ट एंट्री है वो है 1023 और हम डालेंगे अब 1024। जैसे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो वो अपडेट रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। सबमिट अ न्यू रिकॉर्ड। यस, अब देख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। सिमिलरली एक नया रिकॉर्ड और डालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये यूज़र फॉर्म को रिसेट करना पड़ेगा। राइट, अब रिकॉर्ड को करेंगे ऐड। सबमिट न्यू रिकॉर्ड। यस, अब देखिए दो एंट्रीज तो मैंने आपको करके दिखा दी हैं। अब जानेंगे कि कैसे हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। ये जो है वो हमको पूछ रहा है कि
प्रिंट जो है वो मैंने क्यूट पीडीएफ राइटर से जो है वो प्रिंट की थी। अगर मेरे साथ प्रिंटर कनेक्टेड होता तो डायरेक्टली जो है वो प्रिंट आउट मेरी हार्ड कॉपीज में बाहर आ जाता। तो इसको मेरे को जस्ट अभी सेव करना है अपने डेस्कटॉप पे। ये तो रहा प्रिंट फंक्शन। अब मेरे को कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो अपडेट करना है, मान लीजिए मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई थी और मैं उसको रिकॉर्ड को जो है वो अपडेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अभी तो मैं इसको अपडेट नहीं कर सकता क्योंकि ये अपडेट, ऐड न्यू बटन, नेक्स्ट और प्रीवियस, आप देख सकते हैं कि ये बटन जो है वो डिसेबल्ड हैं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, जाना है सर्च पे, यहाँ पर जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है वो मेरे को डालना है। जैसे कि मैं रिकॉर्ड नंबर 2010 को अपडेट करना चाहता हूँ, मैं सर्च पे क्लिक करूँगा। मान लीजिए मैं इस नेम को जो है वो एडिट करना चाहता हूँ, या इस नंबर को जो है वो एडिट करना चाहता हूँ, यहाँ पे 90 करना चाहता हूँ। तो अब एडिटिंग के बाद मेरे पास ऑप्शन आएगी कि इसको अपडेट करूँ मैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगी। जो मोबाइल नंबर है वो 82 की बजाय 90 हो जाएगा। अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, यस। तो आप देख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड नंबर है 2010 वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। रीसेट बटन तो आप पहले ही देख चुके हैं कि कैसे रीसेट बटन जो है वो काम करता है। अगर मेरे को यूज़र फॉर्म को रीसेट करना है, यस, और ये सारी फील्ड्स जो है वो ब्लैंक हो जाएंगी। अब करेंगे हम डिलीट। मान लीजिए मेरे को ये एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है जो मेरे को यहाँ से डिलीट करना है, मैं जाऊँगा उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जो है, मान लीजिए इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ 2014 को, डिलीट करूँगा। कन्फर्म इफ़ वी वॉन्ट टू डिलीट द सिलेक्टेड रिकॉर्ड, यस, वो रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से चला गया है, आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे को एक रिकॉर्ड मैं सर्च कर रहा हूँ 2010, ठीक है। अब आप इसको जो है वो नेक्स्ट और प्रीवियस करना चाहते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड आपको चेक करना है 1009, प्रीवियस रिकॉर्ड तो आपको चेक करना है 1008। सिमिलरली जो नेक्स्ट बटन है यहाँ पे काम कर रहा है 1008, 1009, 10, 11, 12। ये एग्ज़िट बटन जो है वो हमारा क्या करेगा, इस यूज़र फॉर्म के साथ एग्ज़िट होते ही ऑटोमेटिकली जो हमारी एक्सेल की जो वर्कबुक है उसको भी सेव करेगा। उसकी कोडिंग भी मैंने की हुई है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम जब एग्ज़िट यहाँ से करते हैं या फिर हम यूज़र फॉर्म को क्लोज़ करते हैं तो हमारा जो है वो डेटा जो है वो एक्सेल शीट पे जा कर के हमको फिर से दोबारा जा कर के सेव करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्ज़िट करूँगा, कंफर्म इफ़ वी वांट टू एग्ज़िट, अगर यस करूँगा तो जो रिकॉर्ड है वो मेरा एक्सेल शीट से भी निकल जाएगा 2014, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ जो हमने रिकॉर्ड डिलीट किया था। तो देखिए जो 2014 मैंने रिकॉर्ड जो डिलीट किया था वो यहाँ पे नहीं है। आई होप फ्रेंड्स के आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस ओवरऑल वीडियो में होने क्या वाला है। तो मैं इसकी डिज़ाइनिंग और कोडिंग पार्ट जो है अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए मैंने एक अलग से फाइल बना रखी है ऑलरेडी, और उसमें ये जो डेटा है जो आप लिस्ट बॉक्स में देख रहे हैं ये वाला डेटा, वो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइनिंग पार्ट।
ये जो साइज़ है वो स्टैंडर्ड साइज़ में हर टेक्स्ट बॉक्स के लिए रख रहा हूँ, या कॉम्बो बॉक्स के लिए या डीटी पिकर के लिए। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये तो है कॉम्बो बॉक्स, ये है हमारा डीटी पिकर जो कि मैंने यहाँ से पिक किया है। डीटी पिकर यहाँ पे, डीटी पिकर जो है वो यहाँ पे नहीं होता है, इसको लाना पड़ता है। इसको कैसे कंट्रोल्स में, टूल बॉक्स के कंट्रोल्स में लेके रहते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कहीं पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको थोड़ा सा जो हमारे पास फॉन्ट है इसको बोल्ड कर लेते हैं। फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आगे मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बनाऊंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी और आप जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सके वो आप मेरी वीडियो से कलेक्ट करें। हाइट एक बार चेक करते हैं, विड्थ 144, तो वो सब जगह पे मैं स्टैंडर्ड ही रखूँगा।
सर्च के लिए हमको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। इसका प्रीव्यू देखते हैं एक बार कैसा लग रहा है। चलिए अब कॉन्फ़िगर करते हैं लिस्ट बॉक्स को, जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस है।
इस लिस्ट बॉक्स को जो नेम है वो हमने देना है, ये वाला, क्योंकि जो मेरी प्रोग्रामिंग है वो इसी के अकॉर्डिंग की हो रखी है। कॉलम काउंट्स जो हैं वो हमको यहाँ से काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये जो रॉ सोर्स है हमको इसके लिए क्या करना है, एक एक्सेल शीट में हमको टेबल बनाना है। इसको जो है हम रिकॉर्ड्स का नाम देंगे। जितनी भी एंट्रीज हमारी यहाँ तक आएंगी, 25 तक आएंगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी। अगर इससे ज़्यादा, मान लीजिए हमारे पास 2000 रिकॉर्ड हैं या 20,000 रिकॉर्ड हैं, उसको कैसे अपडेट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। वो डेटा जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारे लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो गया है। अब जो है वो हमको क्या करना है कि जो टेक्स्ट है वो एक सेंटर में लेकर आना है, और कुछ के कॉलम्स हैं जो वो हमको रिसाइज करने हैं। देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। अब हमको ये जो पर्टिकुलर कॉलम है एड्रेस वाला, इसका साइज़ जो है वो बाकियों से बड़ा करना है, और बाकियों को जो बाकी कॉलम है जैसे ये स्टेट है या ब्लड ग्रुप है, प्रूफ ऑफ आईडी है, इनको स्मॉल करेंगे। एड्रेस जो है वो हमारा 4 नंबर पे है। पहला है रेफरेंस नंबर, सेकंड है फर्स्ट नेम, थर्ड है लास्ट नेम, और एड्रेस जो है वो 4th नंबर पे है। हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो सही हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
ये जो है हमको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा 54, इसकी भी हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारा 61 तक ठीक है। दूसरा भी हमारा 61.6 PT, ये जो है हमारा बड़ा होना चाहिए 150.5 PT, एंड देन उसके बाद 61.6 PT, 61.6 PT, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट देन नाइन, उसके बाद लास्ट वाला कॉलम, तो इसको भी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से और बाकियों को जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ। अभी आप जो है वो कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर रहे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, देखते हैं अभी क्या रिफ्लेक्शन आती है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, अभी भी साइज़ को थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। स्टेट जो है वो लास्ट में थोड़ा साइज जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, ये लास्ट टाइम ही एडिट करेंगे, उसके बाद नहीं। आई थिंक ये परफेक्ट है, लुकिंग में भी नाइस है। तो आगे की प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अभी
ये जो मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ वो हमारे कॉर्नर पे यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको सीखने के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ मिल रहा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट में जाकर के इसको लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको सीरीज़ रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।
फ्रेंड्स, ये डिज़ाइनिंग पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसकी कोडिंग की इसकी कोडिंग करेंगे सो दैट कि वीडियो का जो टाइम है वो हम कम से कम कर सकें। सबसे पहले जो हमें यूज़र फॉर्म में इनिशियलाइजेशन में हमको डिक्लेयर करना है वो हम उसकी कोडिंग हम पहले कर लेते हैं। अब हम ये जो कोडिंग है वो मैं कर रहा हूँ ऐड करने की, ऐड रिकॉर्ड करने के लिए। कोडिंग करने से पहले मेरे को जो करना चाहिए वो है इनके नेम डिक्लेयर करना।
जिन फ्रेंड्स को ये फाइल प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ये मैं फ़ाइल गूगल की ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा। ये हमारे लिस्ट बॉक्स की प्रोग्रामिंग है, जब भी हम लिस्ट बॉक्स के किसी भी रिकॉर्ड पर डबल क्लिक करेंगे ना तो वो जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली हमारे फील्ड्स में टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, शायद मैं आपको जो स्टार्टिंग में जो डेमो देते हैं ना दो तीन एंट्रीज़ का, तो उसमें मैं आपको बताना भूल गया। फ्रेंड्स जो है ये कोडिंग मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दी है, एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रही है नहीं कर रही है। उसके बाद मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि कैसे ये कोडिंग जो है वो मतलब काम कर रही है। फ्रेंड्स मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग में कुछ अप डाउन्स हुए हैं, मैं उनको सॉर्ट आउट करके वापस दोबारा रिज्यूम करूँगा। फ्रेंड्स मैंने अपनी मिस्टेक जो है वो फिगर आउट कर ली है। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, ये जो है वो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, डिसेबल किए हुए हैं। ऐड रिकॉर्ड अपडेट नेक्स्ट और प्रीवियस,
अब ऐसा करते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो चल रही है या नहीं चल नहीं चल रही है। 1010 सर्च। थोड़े से बग्स हैं इसमें जो कि आई थिंक एक बार टेस्ट करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट तो काम कर रहे हैं, अब प्रीवियस पे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट प्रीवियस काम कर रहे हैं। ऑलराइट, अब ऐसा करते हैं कि कोई रिकॉर्ड अपडेट करके देखते हैं एक बार, अपडेट में भी जाकर के चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अब नहीं चाहिए, देखते हैं अपडेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा करते हैं एक रिकॉर्ड लेते हैं, 1008 सर्च। अपडेट जो है वो एक्टिव हो चुका है, एड रिकॉर्ड जो है वो अभी भी डिसेबल्ड है। तो शुभम 1 करके देखते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं कि वो अपडेट होता है कि नहीं होता। अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, यस। तो यहाँ पे जो है वो शुभम, यहाँ पे शुभम 1 होना चाहिए। देखिए रिकॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है, इसको फिर दोबारा अपडेट करते हैं। अपडेट रिफ्लेक्शन जो है वो सक्सेसफुली टेक प्लेस कर चुकी है। अब ऐसा करते हैं इसको अपडेट नहीं करेंगे। अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, नो। देखिए नो पे प्रेस किया तो उसने रिकॉर्ड जो है वो अपडेट नहीं किया। नेक्स्ट पे क्लिक मारते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट। ओके, ये हमने चेक कर लिया है, अपडेट जा चेक कर लिया है, और एक बार प्रिंट चेक कर लेते हैं कि प्रिंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रिंट जो है वो मैंने एक्सटेंसिवली यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, जस्ट एक आपको व्यू दिया है कि ऐसे हम प्रिंट की कमांड लगा करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक प्रिंटर यहाँ पे कनेक्टेड होता है इस कंप्यूटर के साथ, तो जो प्रिंट आउट है वो डायरेक्टली मेरे हार्ड कॉपीज में बाहर आता। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ऑलराइट, रीसेट, एक बार रीसेट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए कन्फर्म इफ यू वॉन्ट टू रीसेट द यूज़र फॉर्म, यस यूज़र फॉर्म जो है वो रीसेट हो गया है। अब आपने नोटिस ये करना है कि रीसेट करने के बाद ही ऐड रिकॉर्ड जो है वो अनेबल होता है। मान लीजिए आपने कोई रिकॉर्ड अपडेट किया है, तो मैंने ऐसी फंक्शनिंग ऐसी प्रोग्रामिंग की है इस पर कि जो ऐड रिकॉर्ड है वो बटन डिसेबल हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो अपडेट कर चुके हैं उसको अगर आपने बटन जो है ऐड रिकॉर्ड का एक्टिव करके रखा और आपने ऐड रिकॉर्ड कर दिया, तो डुप्लीकेट एंट्रीज जो हैं वो इसमें आनी शुरू हो जाएंगी। मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि ये जो डुप्लीकेट एंट्रीज है उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं हम लोग, ये उसमें समझाऊँगा। चलिए हम रिकॉर्ड्स को डिलीट करके भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से हम तक अभी तक हमने जो है वो प्रिंट चेक कर लिया, अपडेट चेक कर लिया, रीसेट चेक कर लिया, हमने ऐड रिकॉर्ड और डिलीट चेक नहीं किया है। सर्च भी चेक कर लिया, नेक्स्ट भी चेक कर लिया, प्रीवियस भी चेक कर लिया है। तो अब हम पैसे करते हैं, पहले एक रिकॉर्ड को डिलीट करके देख लेते हैं। कन्फर्म इफ यू वॉन्ट टू डिलीट द सेलेक्टेड रिकॉर्ड, यस। रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। मान लीजिए मैं शुभम का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट रिकॉर्ड, नो, वो रिकॉर्ड नहीं डिलीट होगा। डिलीट रिकॉर्ड, यस, रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो डिलीट फंक्शन जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अब रह गया हमारा एक रिकॉर्ड जो हमने नया ऐड करना है। चलिए एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं। नया रिकॉर्ड करने के लिए हमको क्या करना है, पहले एक बार इसको रीसेट कर लेना है।
लास्ट रिकॉर्ड जो है वो है हमारा 1021। जैसे हम ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिकॉर्ड जो है वो इसके नीचे रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। सबमिट न्यू रिकॉर्ड, यस। देखिए जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो हमने चेक कर लिया कि ऐड रिकॉर्ड जो है वो काम कर रहा है, प्रिंट काम कर रहा है, अपडेट काम कर रहा है, रीसेट काम कर रहा है, डिलीट काम कर रहा है, नेक्स्ट काम कर रहा है, सर्च काम कर रहा है, प्रीवियस काम कर रहा है। एक और चीज़ जो मैंने प्रोग्रामिंग की थी डबल क्लिक वाली, वो ये वाली प्रोग्रामिंग थी। मान लीजिए अगर आपको ये वाला रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर चेक करना है, डेटा फिलिंग सेक्शन में चेक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे, अब वो रिकॉर्ड जो है वो आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। मान लीजिए आपको ये वाला रिकॉर्ड जो है वो फिलिंग सेक्शन में, डेटा फिलिंग सेक्शन में डिस्प्ले करवाना है, डबल क्लिक, वो रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो ये था वो डबल क्लिक की प्रोग्रामिंग। अब रह गया आपका एग्ज़िट बटन। एग्ज़िट बटन को जब आप एग्ज़िट करेंगे तो क्या होगा कि आप इस यूज़र फॉर्म से एग्ज़िट नहीं करेंगे, यूज़र फॉर्म के साथ एग्ज़िट होते ही आप एक्सेल की वर्कबुक से भी एग्ज़िट कर देंगे और जो आपका रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आपको यूज़र फॉर्म जो है वो उससे एग्ज़िट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप जाकर के एक्सेल की फ़ाइल पे जो है वो एग्ज़िट कर रहे हैं। एग्ज़िट करते हुए तब वो आपको पूछेगा कि आप डेटा सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये जो है वो हमारे लिए डबल वर्क पड़ रहा है। इसकी प्रोग्रामिंग मैंने ऐसे की हुई है कि जैसे ही आप यहाँ पे यूज़र फॉर्म में एग्ज़िट करेंगे तो वो डेटा जो है ऑटोमेटिकली हमारी एक्सेल की वर्कबुक पे सेव हो जाएगा और वो हमको प्रॉम्प्ट भी नहीं करेगा कि आपको डेटा सेव करना है या नहीं करना है। कन्फर्म इफ़ यू वॉन्ट टू एग्ज़िट, यस। देखिए वो जो एक्सेल की फाइल है वो उसने मेरे को ये भी नहीं पूछा कि आपने डेटा सेव करना है या नहीं करना है, और आप डेटा जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेटेड है। हमने इसमें से कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट किए थे अगर आपको याद हो, वन थाउजेंड एंड एट रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो इट मींस जो है जब हमने एग्ज़िट किया अपने यूज़र फॉर्म से, उसकी प्रोग्रामिंग मैंने की हुई है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो सेव हो गया। तो आपको मैं एक बार कोडिंग जो है वो दिखा देता हूँ इसकी कैसी है, और वो यूज़र्स जो जिनको कोई डाउट हो इस कोडिंग के रिलेटेड या इस ओवरऑल यूज़र फॉर्म के रिलेटेड, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर के राइट कर सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा उनको क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। देखिए ये जो डिक्लेरेशन है वो हमको करनी है ऑप्शन एक्सप्लिसिट में। यहाँ पे हमने अपडेट रो जो है उसको एज ए इंटीजियर डिक्लेयर किया हुआ है, और वो जो अपडेट रो है वो हमारा हर बटन प्रोग्रामिंग में ऑलमोस्ट यूज़ हुआ है। ये देखिए ये फंक्शन तब तक काम नहीं करना था जब तक कि हम इसकी डिक्लेरेशन
वहाँ पे नहीं करते। ये है हमारे ऐड बटन की प्रोग्रामिंग। ऑल द वे टिल हियर। मैं इसको स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ सो दैट कि अगर आपको कोई चीज यहाँ पे चेक करनी है वो आप चेक कर सकते हैं। ये जो है वो हमारी डिलीट बटन की प्रोग्रामिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारे एग्जिट बटन की प्रोग्रामिंग है। ये देखिए, जब ये एग्जिट बटन जो प्रेस होता है तो क्या होता है कि जो एप्लीकेशन है उसको क्विट करना है और दिस वर्कबुक को सेव करना है। अगर ये प्रोग्रामिंग यहाँ पर नहीं है, ये जो कोडिंग है वो यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा, यूज़र फॉर्म तो क्लोज़ हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्सेल की वर्कबुक जो है वो जब आप उसको क्लोज़ करेंगे तब वो हमको फिर प्रॉम्प्ट करेगी कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, फिर आपको यस करना पड़ेगा, मतलब ये आपका वर्कलोड जो है थोड़ा सेव कर रहा है। ये है हमारा CMD सर्च नेक्स्ट बटन। इसमें डिफरेंस यही है कि जो हमारा जो पहले आप सर्च बटन की प्रोग्रामिंग को देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस आया है इसमें। ये देखिए, ये जो प्रोग्रामिंग है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक। ये है हमारी सर्च बटन की प्रोग्रामिंग। अब हमने नेक्स्ट और प्रीवियस बटन में क्या करना है, ये हमारा प्रीवियस बटन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे तक जो है वो प्रोग्रामिंग वो है हमारी सर्च बटन की। और डिफरेंस क्या है कि अगर आपने नेक्स्ट करना है तो ये चीज़ आपने ऐड करनी है, बस इतनी सी। अगर प्रीवियस है तो यहाँ पे जो है वो प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा। ये देखिए, ये तो है नेक्स्ट, अब जो CMD प्रीवियस होगा ना उसमें मैंने माइनस ले रखा होगा, बाकी सब एज इट इज़ जो प्रोग्रामिंग है वो सर्च बटन की है। ये सारी प्रोग्रामिंग सर्च बटन की है। ये जो कोडिंग है वो हमारी प्रिंटिंग के लिए है, बस इतनी सी कोडिंग की हुई है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। प्रिंटिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो बाद में, उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा पूरा का पूरा जो प्रिंटर सेटअप है वो कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। ये है हमारी प्रोग्रामिंग रिसेट के लिए।
ये सर्च के लिए जो मैं आपको पहले बता सकता हूँ बता दिया है मैंने, और ये है हमारी अपडेट के लिए। ये जो कोडिंग है वो हमारी अपडेट के लिए है, और ये वो कोडिंग है जब हम किसी भी रिकॉर्ड जो हमारा लिस्ट बॉक्स के अंदर होता है उसको हमको कैसे डिस्प्ले करवाना है डेटा फिलिंग सेक्शन में, तो ये उसकी प्रोग्रामिंग है। ये हमारा यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन, आपको मालूम होगा जो कॉम्बो बॉक्स है उनमें जो ये डेटा आ रहा है वो कहाँ से जो है वो पिक हो रहा है, वो यहीं से पिक हो रहा है यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन पे। ये यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन है, इसको मैं स्लोली स्लोली नीचे लेके जाता हूँ। फ्रेंड्स आपने एक चीज़ और नोटिस जो है वो करने वाली यहाँ पर ये है कि जब मैं इस यूज़र फॉर्म को चलाता हूँ ओके, तो देखिए जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है डेटा फिलिंग सेक्शन में वो अपीयर हो रहा है ओके। तो इसकी भी प्रोग्रामिंग मैंने यूज़र फॉर्म इनिशियलाइजेशन पे ऐसे की हुई है कि जो हमारा लास्ट रिकॉर्ड है उसको पिक करे और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाए, कहाँ पे डेटा फिलिंग सेक्शन में। ये है यूज़र फॉर्म इनिशियलाइजेशन ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो एक्स की वैल्यू रखी हुई है वो यहाँ पे रखी हुई है कि रोज़ को काउंट करें ठीक है, और जो एंड में जो हमारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसको डिस्प्ले करवाए, एक्स डिक्लेयरिंग एक्स एज अ डिक्लेयरिंग मेमोरी एक्स एज अ लॉन्ग, और एक्स की वैल्यू क्या है वो सबसे जो शीट वन में जो रेंज है ए की उसकी रोज़ को काउंट करें ठीक है, बिल्कुल एंड में जाए और जो एंड वाला रिकॉर्ड है उसको पिक करे और उसको डिस्प्ले करवा दे। तो इसलिए मैंने अपडेट रो है वो एक्स का हुआ है। अब मान लीजिए इसको अगर मैं 2 कर देता हूँ या 10 कर देता हूँ तो अब क्या होगा कि जो लिस्ट बॉक्स में जो रिकॉर्ड नंबर 10 होगा वो उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। ये देखिए इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड नंबर 5 यहाँ पे डिस्प्ले हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू जो है वो 5 रख दूँगा। ये देखिए ये रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है, बट मैंने प्रोग्रामिंग इसलिए ऐसे की हुई थी लॉजिकली कि जो लास्ट रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली यूज़र फॉर्म पिक करे सो दैट कि हमको यहाँ पे दिख जाए और वो हमको डिस्प्ले हो जाए डेटा फिलिंग सेक्शन में। इसलिए मैंने जो प्रोग्रामिंग है वो यहाँ पे एक्स रखी हुई थी। अब जो भी हमारा लास्ट रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे डेटा फिलिंग सेक्शन में अपडेट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो ये जो रॉ फाइल है यूज़र फॉर्म की रॉ फाइल है वो मैं गूगल में अपडेट कर दूंगा, जिस किसी को भी ये फाइल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए वो मेरे को पिंग कर सकता है, कमेंट सेक्शन में भी जाके लिख सकता है, वो मैं उसको ये फाइल जो है वो दे दूंगा। अगर किसी ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो वीडियो को जितना शेयर हो सके तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।